थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसकी मैंने शॉर्ट पे लिखा है CNS में सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम NS की जरूरत नहीं यहाँ पे. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ते हैं. ब्रेन एंड स्पाइनल ओके. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स को पढ़ेंगे. सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की पहले से ही दो पार्ट में हमारा क्या है डिवाइड है. अब हम सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे ब्रेन के बारे में जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेन. ब्रेन जो आपको मालूम है ह्यूमन का ब्रेन जो होता है इसमें हम पहले पढ़ेंगे ब्रेन और इसी को डिटेल में आपके बुक में दिया गया है. ब्रेन क्या है? ब्रेन आपको सभी को मालूम है हमारे सिर है. सभी एनिमल्स में सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है इसका ह्यूमन का ब्रेन इन कंपेरिजन टू अदर एनिमल्स. तो ब्रेन इज वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स. ये बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स हैं. दैट इज द रीजन कि किसके अंदर होता है स्कल के अंदर सेफली रखा रहता है. स्कल बहुत ज़्यादा क्या होता है हार्ड होता है. हमारा ह्यूमन का जो स्कल है स्कल के अंदर ये सेफली क्या होता है प्लेस्ड होता है. एंड वेल प्रोटेक्टेड इन साइड द ब्रेन बॉक्स कह लीजिए, क्रेनियम कह लीजिए, स्कल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इसको ओके. इसका वेट कितना होता है 1.35 approximately किलोग्राम 1.35 किलोग्राम इसका वेट होता है. वेट कितना होगा इसका 1.35 kg. बस इतना सा ब्रेन होता है और सारा काम ये करता है ओके. एंड कंटेन्स 80 लीटर ऑफ वाटर, 25% ऑफ टोटल ऑक्सीजन टेकिन कंज्यूम्ड बाय ब्रेन. आप इसमें 80% क्या होता है वाटर होता है, 80% वाटर और जितने भी हमारी बॉडी क्या लेती है जितने भी इनटेक करती है ऑक्सीजन का उसका 25% क्या करता है ये टोटल ऑक्सीजन का इनटेक ये खुद एब्जॉर्ब कर लेता है. टोटल ओटू को एब्जॉर्ब कर लेता है. 25% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब by our brain. हमारे ब्रेन के द्वारा क्या होता है टोटल जितनी भी हम इनटेक करें ऑक्सीजन उसका 25% जो होता है हमारा ब्रेन एब्सॉर्ब कर लेता है ओके. और क्या है हमारा ब्रेन एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको मेनिंजीज कहते हैं. ब्रेन इज कवर्ड by a membrane called meninges कहते हैं. और ये meninges भी जो होती है ये भी क्या होती है 3 layers होती हैं इसमें. इस meninges में भी 3 layer होती हैं. ये meninges में जो इसको brain के ऊपर जो क्या होती है cover करती है brain को इसमें भी 3 लेयर होते हैं मेनिंजेस की. इसको हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड एंड पिया मैटर ओके. ड्यूरा मैटर है पहला, इट इज द आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर. अरेक्नॉइड ओके एंड पियर में तो ये तो हमारे क्या है इसमें ई है या ई है या इसमें हो सकता है इट मे बी मेन हिसाब से एन ए टी ई आर
मैटर या माटर जो भी है, ड्यूरा मैटर, एरिथ्रोइड एंड टीएमसर। तो ड्यूरा मैटर जो है हमारा आउटर मोस्ट फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, इट इज द आउटर मोस्ट। ड्यूरा मैटर जो है हमारी ये आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट कर गए, ओके, आउटर मोस्ट। एंड एरिथ्रोइड बीच में, बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड टीएमसर। एरिथ्रोइड थिन डेलिकेट मिडिल लेयर वर्क एज कुशन। ये क्या करती है, वर्क करती है, वर्क एज कुशन, कुशन की तरह वर्क करती है। कुशन का काम क्या होता है, क्या वर्क होता है कुशन का, भी कहीं कोई जर्क लगे, कोई एक्सीडेंटली कोई चोट लग जाए तो वो क्या करेगी, ब्रेन को कवर करेगी, ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगी किसी भी जर्क से, किसी भी इंजरी से। एरेक्नॉइड एंड जो इनर मोस्ट होती है, दैट इज पिया मटर। इट हैज रिच सप्लाई ऑफ ब्लड एंड इट इज सॉफ्ट। पिया मटर रिच सप्लाई, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, इसमें सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है पिया मटर। ये सबसे अंदर है एंड अरेक्नॉइड वर्क एज कुशन। कोई इंजरी होती है तो क्या होता है, ये उसको ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। इन मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूड प्रेजेंट होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड कहते हैं। बिटवीन दीज थ्री लेयर्स, बिटवीन दीज थ्री लेयर्स आ फ्लूड इज, अ फ्लूड इज प्रेजेंट। Called a fluid is present called cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. इस फ्लूड का क्या काम है? It is cerebrospinal fluid. इन तीनों layers के बीच में a fluid is present that is called सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड, जो कि ब्रेन को किसी भी शॉक या इंजरी से बचाता है, ओके? जो ये फ्लूड ब्रेन को जब ये फिल हो जाएगा इन तीनों लेयर के बीच में, तो कोई जब इंजरी होगी तो ये फ्लूड जो होता है वो क्या करेगा, उसको ब्रेन को प्रोटेक्ट, ओके? तो अब हम देखेंगे ब्रेन के पार्ट्स कितने होते हैं। अभी तो हमने ब्रेन के देखा, अब हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन। यहाँ पर एक ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम पहले देखते हैं। पहले हम इसको देखेंगे ब्रेन को। तो ब्रेन में थ्री पार्ट्स ऑफ ब्रेन, या ब्रेन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ओके? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब इस फोर ब्रेन को भी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, इस फोर ब्रेन को भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओके? फोर ब्रेन, ओनली फोर ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिब्रम, इट इज द सेरिब्रम, पहला पार्ट है थैलेमस एंड हमारा हो गया फोर ब्रेन, जिसको हमने तीन पार्ट में क्या किया, डिवाइड। अब इसके बाद हम फोर ब्रेन में ही आगे देखेंगे कि इसमें जो इसके फंक्शन है फोर ब्रेन में, सबसे पहला है सेरिब्रम। तो हम सबसे पहले सेरिब्रम को ही देखेंगे, इसका फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, और इसका जो पहला पार्ट होगा वो होगा हमारा सेरिब्रम, ओके? तो सेरिब्रम क्या है और कहां पर होगा, देखिए यहाँ पर जो ये पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द सेरिब्रम, ओवल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसके बिल्कुल नीचे हाइपोथैलेमस, और ये जो छोटा सा पोर्शन है या छोटा सा ऑर्गन जो दिखाई पड़ रहा है बहुत छोटा सा, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सेरिब्रल
कॉर्टेक्स इज, इट इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब हम देखते हैं सबसे पहले सेरिब्रम को। तो सेरिब्रम जो है ये ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन होता है। देखिए आप सेरिब्रम कहाँ से कहाँ तक है सेरिब्रम, तो इट इज द बिगेस्ट पोर्शन, बिगेस्ट पोर्शन ऑफ आवर ब्रेन। ओके, ये हमारे जो ब्रेन का है ये सबसे बड़ा पोर्शन होता है। इसके बाद सेरिब्रम को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस सेरिब्रम को भी हम दो पार्ट में, पहला है राइट एंड सेकंड वन इज लेफ्ट। अब पहला है राइट और लेफ्ट, इसको हम कहते हैं राइट हेमिस्फीयर, इसको हम कहेंगे लेफ्ट हेमिस्फीयर। ओके, देखिए इस तरीके का ये हमारा ये ब्रेन होता है, ये लाइक दिस बीच में। जुड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग। ओके, दोनों पोर्शन है, ये हमारा राइट हेमिस्फीयर एंड दूसरा लेफ्ट हेमिस्फीयर। इस तरीके से ये सेरिब्रम भी हम दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और बिगेस्ट पोर्शन है इसलिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सेरिब्रम की सरफेस पर रिजेस और फरो होते हैं, आप देख रहे हैं ये रिजेस है, दीजा फरो, रिजेस दीजा, दीजा क्या है, ये रिजेस है, फरो। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारे इसमें डिजीजेस फरो होते हैं जो कि नर्व सेल का क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। जितना पोर्शन में ये फैले हुए हैं तो उससे क्या हुआ, सरफेस एरिया नर्व सेल्स का क्या बढ़ा है, तो नर्व सेल्स का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं डिजीज एंड फरोस इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ नर्व। ओके, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने सारे बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे वहां पर या नर्व सेल्स होंगे। ओके, जिससे कि नर्व सेल अच्छे से एकोमोडेट कर सके, जिससे कि जितने ज्यादा होंगे तो वो एकोमोडेशन क्या होगी, वो अच्छे से रहेंगे, अच्छे से वर्क कर सकेंगे। ओके, अच्छे से उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी, ये सब चीजें होती हैं। राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ए शीट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। अब ये जो राइट और लेफ्ट है ये मेरा छोटा है, ये मत करिए कि ये लेफ्ट वाला छोटा है, ये भी उतना ही बड़ा होता है। ओके, ये राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर एक जो शीट होती है ये कवर करता है दोनों हेमिस्फीयर को, एंड इसको हम कहते हैं नर्व फाइबर बाय ए शीट ऑफ नर्व फाइबर कॉर्पस कैलोसम। इस शीट को क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम, सॉरी, तो इसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ये एक साइड की इंफॉर्मेशन को दूसरे साइड में ट्रांसफर करता है, कौन, ये कॉर्पस कैलोसम कवर क्या है, ट्रांसफर, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अभी हमने सेरिब्रम को देखा, अब हम थैलेमस को देखेंगे। देखिए ये पोर्शन जो है एग शेप स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द थैलेमस, ये मैंने आपको बनाया हुआ है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए। थैलेमस क्या है, थैलेमस जो है ये ग्रे मैटर से बना होता है, एग शेप्ड होता है, इट इज मेड बाय ग्रे मैटर से बना होता है, और क्या होता है, ये एग शेप, मेड बाय ग्रे मैटर
एंड एफ शेप स्ट्रक्चर होता है। ओके अब है हाइपोथैलेमस, तो तीसरा है हाइपोथैलेमस।